डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थानीय रीजनल स्टेडियम के मैदान पर आयोजित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के लीग मैच के अंतिम दिन पूर्वांचल एफसी ने 2-1 से दुर्गा स्पोर्टिंग क्लब नंदानगर को शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। 13 अप्रैल को मैच का पहला सेमीफाइनल मैच खोराबार एफसी बनाम एफसीआई चरगावा के मध्य खेला जाएगा एवं दूसरा सेमीफाइनल मैच सेंट जोसेफ एफसी बनाम पूर्वांचल एफसी के बीच खेला जाएगा। सोमवार को आयोजित लीग मैच में बतौर मुख्य अतिथि एशियाई कुश्ती के सिल्वर मेडलिस्ट यश भारती विजेता व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया और कहा कि खेल से मस्तिष्क के साथ स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है, हमें अपने खेल पर ध्यान देना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामाश्रय यादव ने कहा, सचिव संघ का अध्यक्ष राज्य के द्वारा होता हुआ राकेश सिंह पहलवान जी, संयोजक अक्षय सिंह जिट्टू, साथ में सेक्रेटरी संभुना गौतम भूमि जो महाराज प्रताप इंटर कॉलेज की फुटबॉल टीम से भी खेलते रहे। फाइनल मैच 14 अप्रैल को इसी मैदान पर होगा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, ये हमारे गांव की खेल है। सीमित संसाधनों में कराया जाता है। एक बाल से 20-25 खिलाड़ी खेलते हैं। वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, कुश्ती हुआ, कबड्डी हुआ, जो आम जनता की खेल है, आम पब्लिक की खेल है। गांव में बच्चे जो होते हैं सीमित संसाधनों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी तो नहीं खेलते हैं, लेकिन कुश्ती और कबड्डी, खो खो, ये सब खेलते हैं। ये गांव के बच्चों की खेल है। यही बच्चे आगे बढ़ कर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। ये बहुत बड़े शुभकामना हम देते हैं मल सम्राट भाई राकेश सिंह को, जिन्होंने गोरखपुर के जिला लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया है और बहुत ही सराहनीय तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। पेपरों के माध्यम से जानकारियां मिलती रहती हैं, आए दिन अच्छे खिलाड़ियों का सम्मान, जो हमारे पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं उनका सम्मान हो रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि पुराने खिलाड़ियों को देख करके ही नए खिलाड़ी पैदा होते हैं, चाहे किसी खेल का हो। अनुभवी खिलाड़ियों को हम सम्मानित करते हैं ताकि नए खिलाड़ी ऊर्जावान बने और उनको देख करके उनको ललक पैदा हो कि काश हम भी रामाश्रय यादव, राकेश सिंह जैसे खिलाड़ी बने, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। कोरोना का प्रकोप है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना ने तो सारे देश और दुनिया को तबाह कर रखा है। इसके लड़ाई लड़ने के लिए जो सुविधाएं जिस तरह से आज बढ़ रहा है, जो व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से उतनी सुविधाएं आम जन को नहीं मिल पा रही हैं। इंजेक्शन की कमी हो जा रही है, जो कोविड-19 का इंजेक्शन आया है, इसको बचाव करने के लिए भीड़ हमारी देख रहे हैं कितनी कम है। नहीं तो गोरखपुर की जनता इस फुटबॉल मैच को, कुश्ती को देखने के लिए भीड़ बहुत लगती थी। हम लोग छोटे हुआ करते थे, फुटबॉल जब मैच हुआ करते थे तो काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। हम लोग खेलते थे स्टेडियम में, यार कुश्तियाँ होती थी तो भीड़ होती थी। आज इस कोरोना ने मारा सबको, हर चीज़ को चौपट कर दिया है, देश और दुनिया को तबाह है इससे।